गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो कल रात हम पहुंचे थे नालदेहरा पे, नालदेहरा ही है राइट, नालदेहरा पहुंचे थे और रात को लेट हो गए थे, कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाए थे और थके हुए थे तो टाइम से सो गए थे। तो आज हम निकलेंगे, आगे चलते हैं। आपको पहले एक बार छोटा सा होम स्टे का टूर देता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं आगे। फिर तो ये है जी होम स्टे की एंट्री, यहाँ से आते हैं, मेन रोड से कुछ अराउंड 800 मीटर अंदर है। ये हमने गाड़ी खड़ी करी, यहाँ से इसकी एंट्री हुई और ये यहाँ पे नज़ारे हैं। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, पूरी फॉग हुई पड़ी है, टोटल फॉग है, बट नज़ारे अच्छे हो सकते हैं। ये इन्होंने ऐसे यहाँ पर बना रखा है, ये रूम्स हैं इधर इनके, और ये यहाँ पे उन्हें से बैठने की जगह बना रखी है। ये बहुत फैंटास्टिक जगह बना रखी है इन लोगों ने, यहाँ पे अपने बैठो आराम से, ये ऐसे बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह बना रखी है, आराम से बैठ के। यहाँ व्यू बहुत अच्छा आता है सामने, बट कुछ दिख नहीं रहा, तो कोई व्यू नहीं है। कुछ फ़ोटोज़ ली थी मैंने सुबह, ट्राई करता हूँ डालने की जितनी आ पाएंगे। तो ये है जी सारा ये नज़ारा, ये आप नीचे डेप्थ देख रहे हो, पूरा एकदम वैली है। इन्होंने एक झूला भी रखा हुआ है यहाँ पर इधर, इफ़ यू वॉन्ट टू एन्जॉय सो यू कैन गो देयर, अपना मज़े कर सकते हो। ये बाकी पूरा इस टाइम तो फॉग हुआ पड़ा, पूरा फॉग है इस टाइम पे। और ये है मेरा रूम जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये है जो रूम, उसकी फ़ोटोज डालता हूँ। अभी तो बहुत मैसी सा हुआ पड़ा पूरा। तो ये है जी यहाँ का किचन एरिया, डाइनिंग एरिया आई मीन, लगी हुई बुखारी बीच में, अगर सर्दियाँ होती हैं तो इसको यूज़ करते हैं। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा बना जो मैं कहता कल कुछ फ्रीज है नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, अभी बैठ के पूरा प्लान बनाया है। अगर पॉसिबल हो पाएगा और मौसम ने साथ दे दिया तो आज हम चलेंगे स्पीति, आज नहीं मतलब जो हमारा कल तक जो एंड डेस्टिनेशन था, वो कल तक एंड डेस्टिनेशन हमारा था चितकुल, अभी एंड डेस्टिनेशन चेंज होके स्पीति हो गया, विच इज़ काज़ा राइट। तो काज़ा चलेंगे, एंड डेस्टिनेशन काज़ा हो गया है, और अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, बीच में रास्ता वास्ता कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंगली विल शेड्यूल। तो आज रात का प्लान ऐसा करेंगे कि चितकुल के आसपास स्टे करने की ट्राई करेंगे, चितकुल में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आसपास दो तीन गांव हैं वहाँ रुकने की ट्राई कर लेंगे कहीं पे। तो देखते हैं, चलो निकलते हैं। ये मौसम जी देखो थोड़ा सा खुल गया है, तो आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं, देखो बहुत दूर तक वैली दिख रही है, बहुत दूर तक मज़ेदार व्यू है। चलो जी हो गए तैयार, अब यहाँ से निकलते हैं, पहले चलेंगे हाटू पीक, हाटू माता मंदिर है बेसिकली। तो पीक से आई थिंक व्यू तो कुछ नहीं दिखेगा, बट लेट्स ट्राई, अगर वहाँ जाके कुछ और नज़ारा मिल पाता है तो। और बाकी फिर मंदिर का दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर आगे चलेंगे आज चितकुल के लिए। तो ये रास्ता था जी ये होम स्टे आने तक का, पहुंचने तक का बेसिकली। तो रात को तो मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा बहुत था इस रोड पे, तो अभी आप समझने की ट्राई करो कि देखो कैसा है ये रास्ता, ऐसी कहानी हो रही है। ये है जी हाटू पिक का रास्ता, बेसिकली अपने जहां रुका हुआ था वहाँ से आपको थोड़ा सा वापस आना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप यहाँ से कुछ अराउंड 6 किलोमीटर है, तो बहुत स्टीप है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रास्ता बीच बीच में बहुत ज़्यादा, जो भी कोई बता रहा है वो यही बता रहा है कि रास्ता सिंगल है, तो आप देख लो मतलब चला पाओगे या नहीं चला पाओगे गाड़ी, तो हर बंदा वही बोल रहा है, रुको एक मिनट। तो रास्ता जो है बहुत स्टीप है, एक यू टर्न आ गया था वहाँ पर बड़ा गंदा सा, तो रास्ता स्टीप है और बिल्कुल सिंगल रास्ता है, तो मतलब अगर आपको गाड़ी में कॉन्फिडेंस है, वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसी मतलब पहाड़ों में काफ़ी जगह रोड ऐसी होती है, तो आगे से कुछ आएगा तो मतलब ठीक है, वो आगे पीछे करके आपको निकालनी पड़ेगी गाड़ी। तो पर रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मंथ और सीज़न की बात करो अगर, जैसे अभी मैं हूँ यहाँ पे अगस्त एंड में, तो अभी मतलब बारिशें वगैरह मतलब हो रही हैं और कुछ बीच बीच में हो, जैसे कल रात को सारी रात ऑलमोस्ट बारिश हो रही थी राइट,
तो उसके चक्कर में रास्ते में क्या है ना, बीच बीच में पूरे में फॉग हुई पड़ी है, तो रास्ता उस एंगल से थोड़ा सा और ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो गया है। तो ये है, कल रात को मैं इस रास्ते पे आ गया था गलती से, होम स्टे की तरफ जाना था और इधर आ गया था गलती से, तो बड़ी मुश्किल से यू टर्न मिला था मेरे को, क्योंकि इस जगह पे आप यू टर्न नहीं ले सकते हो गाड़ी से, इस जगह पे ये बड़ी प्रॉब्लम है, यू टर्न आपका आता ही नहीं है इस जगह पे। तो जगह बड़ी मुश्किल से मिली थी और यू टर्न लिया था। चलो अब पहुँचते हैं ऊपर, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो दिखाते हैं, सीधा ऊपर हम टा पिक कह रहे हैं, सॉरी हार्ट टू पिक पे मिलते हैं आपको ऊपर। ठीक है जी, ये देखो, दीज आर द काइंड ऑफ सिचुएशन यू नीड टू फेस व्हेन यू गो इन रिमोट एरियाज। अब ये हट ही नहीं रही है, बिल्कुल रास्ते के बीच में बैठी है, मैं क्या करूँ, किसी को बुलाना पड़ेगा फिर जाके हटेगी मुझे लग रहा है। ये मेरे पास मारने के लिए आ गई थी मेरे को। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, रास्ता आप देख लो ना, थोड़ा सा मतलब एक्चुअली बिल्कुल पूरा सा रास्ता है, सिंगल गाड़ी भी बहुत मतलब बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम स्टीप, जैसे ये देखो एकदम स्टीप आ गया, और यहाँ पे वैसे दिक्कत होती है इस टाइप की, एकदम टर्न आया और एकदम स्टीप हो गया टर्न, ये सब दिक्कत यहाँ पे। आपको हाइट दिख रही, पता नहीं आपको कैमरे में समझ में आ रही होगी शायद, बट यहाँ पे एकदम जो है ना ऐसे चढ़ाई आ जाती है, और रास्ता काफ़ी स्टीप है, तो उस एंगल से थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशियस होकर चलाओ गाड़ी अगर यहाँ पे आते हो तो आप, बट उससे पहले यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर ड्राइविंग स्किल्स, दैट बिल्कुल पूरी इस जगह निकलती है, बहुत जगह आपको बैक करके निकालनी पड़ रही है गाड़ी, तो वो सब चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखो अपने, मतलब अगर गाड़ी पे कंट्रोल अच्छा है तभी इस रास्ते पे खूब ड्राइव करके आओ, एल्स मेरे ख्याल से यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जहाँ से हाटू माता मंदिर का ये स्टार्ट हुआ था रास्ता, तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो मुझे लग रहा है वो गाड़ियाँ शायद इसी के लिए आती होंगी, तो आप मतलब वहाँ से गाड़ी हायर भी कर सकते हो, तो वो आपको बुलेरो बैंक गाड़ियाँ हैं तो वो आपको यहाँ पे छोड़ जाएंगे। पहुंच गए हाटू पीक, बट यहाँ पे एक्चुअली आने में चैलेंज है, मतलब अगर आपको गाड़ी में कॉन्फिडेंस नहीं है, गाड़ी चलानी थोड़ी सी आपको लगता है कि इधर उधर हो सकती है, सो डोंट कम बाय योर ओन, गाड़ी हायर करो एंड कम देन, ठीक है, अदरवाइज़ दिक्कत है। यहाँ पे बीच में दो तीन पॉइंट्स आए ऐसे जहाँ पे गाड़ी को चैलेंज लगता है कि कैसे निकाले। यज मंदिर की एंट्री शायद यहाँ से बियॉन्ड, आपको रास्ता रोका हुआ है, रास्ता बंद है, तो ये बेसिकली गेट लगा हुआ है यहाँ से, तो आपको गाड़ी पीछे पार्क करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ से चलो आगे, तो ऐसा है। चलो चलते हैं, देखते हैं मंदिर क्या है, ये रहा मंदिर शायद, होपफुली ऊपर चलते हैं देखते हैं। ये जी एंट्री मंदिर की, इधर से ये आगे एक लॉन है और ये है जी मंदिर यहाँ पे। चलो जी अंदर चल के आते हैं, एक बार दर्शन करके आते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ का हो गया काम, अब निकलते हैं आगे। यहाँ पे एक हमें सज्जन मिले मिस्टर अली, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, वो स्पीति से आ रहे थे एक्चुअली, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की आइटनरी में। तो अभी भी जो हम बात कर रहे थे कि स्पीति जाना है नहीं जाना है, जो सुबह डिसाइड कर रहे थे, अब वो ऑन रोड कंडीशन, क्योंकि कह रहे कल रात बारिश काफ़ी हुई है, तो उसके चक्कर में रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है, तो अब हो सकता है कि फिर कुछ चेंज हो जाए, अभी देर इज़ नो सर्टेन प्लान, राइट, देखते हैं क्या करना है। अब ये देखो कितना गंदा टर्न है, अब इसे देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे हाइट कितनी है, मतलब कितने ज़्यादा स्टीप है। देखो एक टर्न में कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया है डिस्टेंस का, आई मीन स्लोप का। तो ये है यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो है थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे नज़ारे देख रहे हो बीच बीच में,
क्या ही जबरदस्त है, मतलब अभी तो फोग है तो ये हाल है, अगर फोग नहीं होता तो पता नहीं क्या दिख रहा होता है यहाँ पे। सो विद दिस सीनिक ब्यूटी इस व्लॉग को करते हैं यहीं के ख़त्म। अगले व्लॉग में मिलते हैं आगे की जर्नी में टुवर्ड्स चितकुल। तब तक डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।